हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बी के कम्पटिशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के बीच उपस्थित हो गया हूं एक नए सेशन के साथ। दोस्तों आज का सेशन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है मल्टीप्लीकेशन का। दोस्तों अक्सर हम जब एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल पहुँचते हैं तो वहाँ पर जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और उस क्वेश्चन पेपर में जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ब्रेन का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो क्विकली रिएक्ट नहीं कर पाता है उस क्वेश्चन पे। तो आज हम उसी चीज़ को देखते हुए आप सभी के बीच क्विकली मल्टीप्लीकेशन करने का ट्रिक्स मेथड लेकर के आया हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बेहतर स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने आपके लिए जो टॉपिक लिया है उस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं कि बहुत जल्दी कैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को रिएक्ट कर मल्टीप्लीकेशन कर आंसर निकाल कर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे टू गुने टू डिजिट का कॉन्सेप्ट। जब भी आपको दो दो डिजिट का मल्टीपल निकालना हो तो हम कैसे दो अंक के जो मल्टीप्लीकेशन है उसे हम एक अंक यानी जो दो लाइन में मल्टीप्लीकेशन होंगे उसे हम एक लाइन में ही कैसे कवर करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है 73 गुने 25, इसको हम एक ही लाइन में कैसे गुना कर आंसर प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये 73 है, उसके बाद नीचे यहाँ पर 25 कर दिए। ये दो अंकों का बोलते हैं ना कि दो लाइन का ये मल्टीपल है, लेकिन हम इसको एक लाइन में करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये पीछे वाला है इसको मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 × 15 का क्या होंगे 5। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जोड़ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम जोड़ेंगे, जैसे 3 × 6 और 5 × 7 = 35, 35 और 6 7 × 5 = 35 और 3 × 6 यानी 35 और 6 = 41, और इसका वाला एक कैरी, ये 15 में जो एक कैरी था यानी 42, यानी 42 का ये हो जाएंगे 2, और उसके बाद इससे 7 × 14 और 42 है यानी 4 इसमें कैरी है, तो 14 और 4 = 18। ये हुए दोस्तों आपके 73 × 25 मल्टीप्लीकेशन का आंसर, ये एक लाइन में आप इजीली निकाल पाएँ। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 73 × 68 हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी कर दे, 73 है तो 75 कर दे, कोई नहीं 73 ही कर देते हैं, 73 × 68 है, कुछ नहीं वही करना है, पीछे वाले को गुना करेंगे एक बार, 8 × 3 = 24, 24 × 4 हासिल 2 यानी कैरी 2 होंगे। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 × 7 = 56 और 36 = 18, 56 और 18 कितने होंगे 44, 56 और 8 कितने, सॉरी 56 और 8 = 64 हो गए, और 64 × 10 = 74, इसमें 2 थे तो 76, जिसमें 2 कैरी थे तो 76 हो गए। अब बचे कैरी कितने 7 × 7 = 42 और 7 = 49। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 × 2 डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स है वो कैसे है। पहले तो हम पीछे वाले को गुना करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जो कैरी है उसे जोड़ देंगे, और उसके बाद आगे वाले जो डिजिट है उसका गुना करके कैरी के साथ ऐड कर देंगे, अगर कैरी हो तो, नहीं हो तो जैसे मल्टीपल जितना होंगे उसे ऐड कर देंगे। तो ये दो क्वेश्चन के माध्यम से आपने 2 × 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना सीख गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब 3 × 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं 3 × 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट ट्रिक्स मेथड जो है उसे समझते हैं कि जब 3 डिजिट का हमें मल्टीप्लीकेशन दिया हो तो हम कैसे ईजिली हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 4, 6, 7 यहाँ पे 3, 2, 5 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये पीछे वाले का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 × 6 = 35, 35 × 5 हासिल कितने हो गए 3 यानी कैरी 3 हुए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर यहाँ तो 7 × 14 और 6 × 5 = 30, 30 × 14 = 44 और इधर कैरी 3 थे यानी 47, यानी अब कैरी कितने बच गए 4 बच गए। उसके बाद तीसरा टर्म में क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा टर्म में हम ये करेंगे कि इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जब हम इसका करेंगे तो 7 × 21, उसके बाद 4 × 5 = 20, 41 और 6 × 12 = 53,
पाँच चौक बीस, छः और तीन सत्ते इक्कीस, बीस और इक्कीस इकतालीस और छः दुना बारह, इकतालीस और बारह तिरपन हुए। और इसमें कितने कैरी थे, इसमें कितने कैरी थे दोस्तों, यहाँ पे कैरी कितने थे, चार। तो यहाँ पे तिरपन और चार कितने हो गए, संतावन। तिरपन और चार संतावन, यानी सात हो गए। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो छत्तीस अठारह और चार दून आठ, अट्ठारह और आठ, अठारह और आठ कितने हो गए, छब्बीस। यहाँ पे कितने कैरी थे, इसमें जो हासिल थे कैरी पाँच थे, तो छत्तीस अठारह और चार दून आठ, यानी आठ और अठारह कितने, छब्बीस। छब्बीस पाँच इकतीस, कैरी हो गए तीन, चार तीय बारह और तीन पंद्रह। ये हुए दोस्तों तीन डिजिट का मल्टीपल। फिर से समझेंगे, करना कुछ नहीं है, एक बार पीछे वाले जो डिजिट है उनका मल्टीपल कर आप यूनिट डिजिट लिखें, जैसे सात पचे पैंतीस का पाँच, हासिल तीन। उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सात दूना चौदह, छः पचे तीस, कितने हो गए, सात दूना चौदह और छः पचे तीस चौवालीस, और इसमें हासिल तीन थे तो हो गए सैंतालीस। यहाँ पर कैरी चार हुए। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ करिए, तो तीन सत्ते इक्कीस और पाँचों के बीस और छः दूना बारह, इसको भी तीनों को मल्टीपल करके जोड़ना पड़ता है ये तीसरे के लिए, यानी 12 सतिया 21, सॉरी 21, उसके बाद चार पच्चे 20 और प्लस 6 दुना 12, ये टोटल मिला के हुए तिरपन, और इसका कैरी जोड़ दिए तो हो गए संतावन। संतावन का साथ हासिल 5। फिर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, छत्तीस 18 और प्लस 4 दुना 8, ये दोनों मिल के हो गए 26, और ये 5 यहाँ पर ऐड किए तो ये हो गए 31। 31 का एक दिए और उसके बाद ये चार तीय 12 और तीन 15, ये आपके हुए दोस्तों एक लाइन में आंसर, तीन डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वैसे ही करेंगे, 342 है, कुछ नहीं, पीछे का एक मल्टीपल करेंगे एक एक डिजिट का, तो सात दुना 14 का 4, हासिल एक यानी कैरी 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 दुना 12 और 4 सत्ते 28, 12 और 28 हो गए 44, और यहाँ पे एक कैरी है तो हो जाएंगे सॉरी 7 चौक 28 और 6 दुना 12 40 होंगे, और इसका कैरी एक है तो 41 हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर चार कैरी बचेंगे। अब सीधे यहाँ से यहाँ ये इसको करना है और उसके बाद इसको करना है, तो यहाँ पे चार कैरी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सतिया 21, 4 दुना 8 29 और 6 चौक 24, टोटली हो गए 6 चौक 24, इधर 4 दुना 8 और सतिया 21, 29 और 24, 29 और 24 को ऐड करके यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएंगे एक दे देगा तो ये 30, और हो जाएंगे तिरपन, तिरपन और 4 संतावन, तिरपन ये कैरी तो संतावन का क्या हो गया, 7। अब क्या करेंगे, संतावन हो गया तो अब कैरी हमारा क्या बच गया, 5। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो छत्तीस 18 और 4 चौक 16, 18 और 16 कितने हो गए, 18 छः 24 और 10 34, 34 और 5 39, और हासिल अब कितने हो गए, 3, कैरी 3 हो गए, चार तीय 12 और 3, 12 और 3 15। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया दोस्तों, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, 2×2 डिजिट का क्या ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन करने का, 3×3 डिजिट का क्या ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन करने का, ये आप सीख गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप अब यदि पहले से आप नहीं जानते होंगे तो अब बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, क्योंकि जो झोल है एग्जामिनेशन हॉल में यही गुना भाग का ही है, तो इस पे कमांड होना चाहिए। आपका जितना ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट तेज होगा, जितना आप जल्दी कर पाएंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड दोस्तों समझ में आए होंगे। अब तीसरा मेथड देखते हैं जो बहुत ही खास है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों से हटके हैं, वो भी देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और भी मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ट्रिक हैं जो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक्स होगा वो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने का अलग अलग ट्रिक्स हैं, अलग अलग नंबरों के लिए, ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, बस कुछ ही है जिससे आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आप उसका प्रयोग कर बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं कि आप अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे,
और इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।